तभी तो मोदी सरकार से दुनिया दूर हट रही है। किस वजह से हट रही है? आज तक कुछ काम नहीं किया, गरीब आदमी मर रहा है, पैसे वाले होते सारे, सरकार कोई आलो काम तो होते नहीं। फिर किसी ने सोनीपत की तरफ नहीं देखा। सोनीपत का हाल जो 1972 में था आज वही हाल है। सुरेंद्र पवार जिंदाबाद। अच्छा हाँ, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी डिमांड है, ये लोग अपना भरते हैं, अपना करते हैं, किसी का नहीं करते। मोदी सरकार ने तो बताओ नौकरियां नहीं छोड़ी, हर चीज प्राइवेट कर दी। काम और रोजगार हुड्डा साहब ने किए हुए। अब हम अपनी चुनावी यात्रा में आप पहुंचे हैं सोनीपत। राजनीति की तासीर होती है कि जब तक मतदान हो नहीं जाता तब तक वो ग्रिड की तरह रंग बदलती है। इस बार यहाँ क्या होने वाला है, अभी क्या माहौल है, आगे क्या बनेगा, यहाँ के लोगों से बात करते हैं। क्या माहौल है? सब ऐसा है, सोनीपत का माहौल आपको मैं बता दूँ, 1966 में हरियाणा बना था, 20 दिसंबर 1972 को सोनीपत जिला बना था, 7 जिले थे जब हरियाणा बना। 1972 में सोनीपत बनने के बाद पहला जिला था सोनीपत, उसके बाद जब हरियाणा बना 7 जिलों के बाद। 1972 के बाद यहाँ कैबिनेट मंत्री भी रहे, बहुत सारे मंत्री रहे सोनीपत से, सांसद भी बनाए और MLA भी बनाए, लेकिन किसी ने सोनीपत की तरफ नहीं देखा। सोनीपत का हाल जो 1972 में था आज वही हाल है, और मुझे नहीं लगता कि ये होगा, क्योंकि दिल्ली के हम बहुत नज़दीक थे, हमारे से आगे बहादुरगढ़ निकल गया, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी डिमांड हैं, ये लोग अपना भरते हैं, अपना करते हैं, किसी का नहीं करते। इसलिए मैं सबको ये दो देता हूँ कि भाई आप जो है ना पार्टी को वोट मत दीजिए, भक्त मत बनिए किसी का, BJP कांग्रेस को छोड़ दीजिए, आप उस आदमी को वोट दीजिए जो आपके सोनीपत शहर को उज्जवल कर सके, सोनीपत शहर की प्रोग्रेस कर सके। आप क्या सोच रहे हैं भाई साहब? ऐसे आदमी को वोट देनी चाहिए जो सब ऐसा आदमी को मिला, क्योंकि अब तो नाम वापसी भी हो गई मैदान में जो डटे हैं। अभी अभी तो 15 तारीख है ना वापसी की, तो 15 तारीख की वापसी है आज, है ना? नहीं 13 आज। अच्छा चलिए, 2 दिन में और क्या होगा, एक दो लोग वापस ले लेंगे। अभी देखो कौन कौन रटेगा, कांग्रेस, कांग्रेस सुरेंद्र पवार ने क्या किया? बस हम वोट तो सुरेंद्र पवार के देंगे हम तो। अच्छा चाहे कुछ करे या ना करे, बस भाई साहब सुरेंद्र पवार की तरफ है जी। वजह? शरीफ आदमी है जी, काम भी ठीक, पहले भी ठीक किए हैं, गरीबों की मदद करता है, और मोदी सरकार ने तो बताओ नौकरियां नहीं छोड़ी, हर चीज प्राइवेट कर दी, कहाँ बेरोजगार हैं। अच्छा ये बताइए कि जो किसान आंदोलन हुआ था वो मुद्दा इस चुनाव में है कि नहीं है? नौजवानों का रोजगार मुद्दा है इस चुनाव में है कि नहीं है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है, बिल्कुल है। नहीं तभी तो मोदी सरकार से दुनिया दूर हट रही है। किस वजह से हट रही है? आज तक कुछ काम नहीं किया, गरीब आदमी मर रहा है, पैसे वाले होते जा रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं? पहली बात तो ये है जी, प्रेस रिपोर्टर हैं या कोई हमारे नेता हैं, पिछले 10 साल से हमारे पास तो कोई आया नहीं। जब इलेक्शन का टाइम होता है जब सभी आ जाते हैं, या नेता भी सड़कों पर निकल जाते हैं और प्रेस रिपोर्टर भी सड़कों पर निकल जाते हैं। अब कोई पूछने के लिए आया है तो हमारे पास में आप आए हो, वो आपको पता है भाई किस लिए आप आए हो, क्यों आए हो, वो हमारी मर्जी है, वोट हम किसको देंगे, वो हमारा अधिकार है ना, हम ये बता सकते हैं भाई किसको। हम तो ये भी नहीं पूछ रहे कि आप किसको वोट देंगे, हम तो ये करें क्या माहौल है। माहौल तो आपको ही पता है, जो माहौल है यहाँ पर, आप भी यहाँ घूमते हो, माहौल आपका पता है, लेकिन हमारे से क्यों पूछते हो भाई क्या माहौल है? हम तो ये आज से 10 साल पहले आकर के आपने ये नहीं पूछा हमारे से अभी क्या माहौल है, अब आए हो हमारे से माहौल पूछने के लिए। पूछने जब चुनाव आएगा तभी तो आएंगे, तभी आते, क्यों पहले क्यों नहीं आते? तब तो समस्या रहती है। अरे आपको क्या पता हम कहाँ घूमते हैं, हमसे क्यों नाराज हो रहा है भाई साहब? आपको क्या राय है जी? आड़ कांग्रेस है, वजह कांग्रेस भला करती है देश का। हुड्डा साहब की 10 साल सरकार रही और 10 साल BJP की सरकार रही, दोनों सरकारों में अब क्या अंतर पाते हैं? सरकार जीरो है जी, जीरो है। हाँ किसान ना के मामले में, बेरोजगारी के मामले में, सब में जीरो है। तो किसान आंदोलन और बेरोजगारी ये दोनों इस चुनाव में मुद्दे बन रहे हैं? मुद्दे हैं जी, है? मुद्दे हैं। इस आधार पे वोटिंग होगी कि जात के आधार पे वोटिंग होगी? ना ना, मुद्दे हैं जो ये, किसान आंदोलन है, जाट आंदोलन है, सब मुद्दे हैं जी। है क्या कहना है आपका? JJP तो BJP के साथ जीती, BJP के खिलाफ कोई बात ना, JJP का मेरे काम का उठ रहा है। क्यों मेरे गांव का, हमारा भाई है, क्या बात है? अच्छा एक बात बताइए भाई साहब, आप कब, वैसे तो भाई साहब से आपसे मैं पूछता कि कभी 3 लालों की यहाँ पे चलती हुआ करती थी, देवीलाल,
बंसीलाल, भजनलाल, बाद में मनोहर लाल भी जुड़ गए। अब उन तीनों लालों का परिवार इस तरीके से आपस में बटा, तो क्या लालों की राजनीति हरियाणा से खत्म हो रही है? वो जा चुकी है सर, वो तो फिलहाल क्या है, हुड्डा साहब आएंगे, क्योंकि हुड्डा साहब ने जो काम किए ना, काम और रोजगार हुड्डा साहब ने किए हुए हैं। अच्छा। और सबको नौकरी दी है, रोजगार, रोड वगैरह बनाए हैं, जो कुछ बनाए हुड्डा साहब के टाइम के ही है, बीजेपी के टाइम का कोई रोड नहीं यहाँ पे। अच्छा। गड्ढे इतने हैं, जाकर आप देख लो। तो हुड्डा साहब का है यहाँ पे फिलहाल माहौल है, जो हुड्डा साहब ही आएंगे और आगे जो विकास होगा हुड्डा साहब के उसमें होगा विकास। आपका क्या मानना है? कांग्रेस जी, कांग्रेस पवार, पवार, पवार साहब में क्या खासियत है? खासियत और ना हो, हुड्डा के कारण इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं भाई साहब, गिना रहे थे, हुड्डा के नाम पे वोटिंग करनी है कि पवार के नाम पे? तो उसी का तो है, दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। हाँ, हुड्डा ने तो खड़ा कराया है उसको। आप क्या सोच रहे हैं? हुड्डा परिवार है, हुड्डा परिवार। हुड्डा परिवार ने सोनीपत के लिए कुछ किया? आप तो बता रहे थे कि सोनीपत जैसा 1972 में था वैसा ही आज भी है, हुए तो रहेगा। हाँ। यहाँ कोई भी आलो। हाँ। ये तो जो सोनीपत के दिल्ली के नित्य है, इसलिए यहाँ काम हो रहे हैं। अच्छा। सरकार कोई आलो काम तो होते नहीं। अच्छा। हाँ, पर हम तो यानी अपने हुड्डा को जिताएंगे। आज सर देखिए, ऐसा है, हमारे देश को प्रधानमंत्री की जब वोट हुई थी तो हमने मोदी साहब को वोट दी थी। यहाँ पर जो माहौल है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे लिए बहुत बढ़िया है, हमारे बहुत बढ़िया नेता, पहले बहुत बढ़िया काम करके थे। हम हरियाणा में अब की बार कांग्रेस लाने की सोच रहे हैं। अच्छा। क्योंकि उसमें हुड्डा साहब बैठे हैं, बस हम सर हुड्डा साहब को ही, उनको व्यक्तित्व देख कर ही वोट दे रहे हैं। बस हुड्डा साहब को देख के वोट देंगे या जो समस्याएं हैं आप लोगों की, उन जो समस्याओं को पहले भी हुड्डा साहब, नौजवान सर देखिए, जो पहले भी आई थी सरकार हुड्डा साहब की, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, हमारे सोनीपत में लेट किया, पर काम फिर भी अच्छा हुआ है, सारे रोड राड बढ़िया बना रखे थे उन्होंने, तो गड्ढे बने हुए हैं अभी अभी बने ना सर, ये अभी या अभी ये इसके सुरेंद्र पवार के राज में थोड़ा सा बाद में दिक्कत हुई है, क्योंकि उन्होंने उनको पीछे से नहीं मिला। अच्छा। तो उसके वजह से थोड़ा उन्होंने खुद बोला था एक दिन यहाँ के, भाई अभी यहाँ पैसे मिलेंगे और मैं इनका करवा दूंगा, उन्होंने करवा दिया। देख लो अब, देखो गड्ढे परली साइड में, देखो उन्होंने ऐसे तरीका करवाया है, सिर्फ ये सिस्टम लाइन सीवर लाइन थोड़ी मारी बीच में रोड के, बस इसी वजह से थोड़ी दिक्कत है, नहीं तो अभी फिलहाल ठीक चल रहा है रोड, देखो आप ठीक चल रहे हैं। आप क्या मानते हो? कांग्रेस सर जी, कांग्रेस क्यों अच्छी लगती है? कोई तीन काम बताइए हुड्डा साहब जो बहुत बड़ी आपके इलाके के लिए बढ़िया कर रहे हैं। नौकरी का लाले, अस्पताल का लाले, दवाइयां लाले, पढ़ाई का लाले, सब क्या है भाई, हर इसमें कुछ भी को ना, हमारी बिजली हरदम रहा करती, ये मड़ी ही बाल चाल जा, सब रहते लट मंद, देख रेख को ना है हमारे हरियाणा में। क्या जी, कौन अच्छा लगता है? हमें उड़ा लगता है, काम किया है, काम किए हैं। अच्छा। और इनने इससे के लिए और काम करे ही 10 साल में। अच्छा। इससे के ना लिए उड़े हमें भाई साहब। हाँ जी, क्या मूड मिजाज है? हाँ, कांग्रेस का है जी, सुरेंद्र पवार जिंदाबाद। अच्छा। हाँ, सुरेंद्र पवार जिंदाबाद। हाँ, देखिए कुल मिला जुला करके सोनीपत आते आते हुड्डा साहब का असर बढ़ जाता है, ठीक है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुद्दों से मुझे मतलब नहीं दिखाई दे रहा, और क्षेत्रों में भी होकर के आ रहे हैं, मतलब है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अपने उम्मीदवार से। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताइएगा।